हेलो मैरी, कैसी हैं आप? ओ, तुम्हारे अंकल बीमार हैं, क्या तुम ये जानती हो? नहीं, मैं तो ये नहीं जानती। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। आपने और हेनरी अंकल ने हमारे लिए बहुत काम किया है, पिताजी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आइए आप मेरे साथ चलिए। अरे, इन्हें देखकर तो लगता है इनकी हालत बहुत ख़राब है, आपको इन्हें देखकर अस्पताल जाना चाहिए। अरे नहीं फ्लोरेंस, वह तो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी वक्त के पहले ही मर जाए। ऐसा नहीं है, वहाँ पे इन्हें कम से कम दवा तो मिलेगी, आप इन्हें अस्पताल लेकर जाइए। फ्लोरेंस, तुम्हें देखकर लगता है तुम कभी अस्पताल नहीं गई हो। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता जैसा तुम सोचती हो। अस्पताल में मरीजों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता और ना ही उनकी देखभाल की जाती है। अगर आपके परिवार से कोई बीमार होगा तो उनके लिए एक अच्छा डॉक्टर आएगा। मुझे यकीन है जो आप कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम जैसों को अस्पताल के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर ढेरों मरीज पड़े होते हैं। कभी कभी तो वो मरीज को बांध देते हैं ताकि वो नींद ले सकें। हेलो मैरी। प्रणाम पिताजी। मेरे साथ आओ फ्लोरेंस। पिताजी, ये लोग आपके राज्य में रहते हैं, इनकी देखभाल करना आपका काम है। फ्लोरेंस, मैंने इनके लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है बेटा। मगर वो बीमार हैं पिताजी, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? ये तुम्हारे काम की बात नहीं है फ्लोरेंस, तुम घर जाओ। तुम्हारी जगह घर में है, हमारे साथ, यहाँ इन बस्तियों में बीमारों के साथ नहीं। समझ आया? जी पिताजी, जैसा आप कहें। उम्मीद है आपको जश्न में आनंद आ रहा होगा मिस्टर पैट्रिक। माफी चाहूंगा मिस्टर फ्लोरेंस, मगर मैंने मिस फ्लोरेंस को पिछले कुछ समय में लंदन की गलियों में देखा है। फ्लोरेंस, मुझे तो नहीं लगता। क्षमा कीजिएगा, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? जरूर मिसेस नाइटिंगेल। जल्दी ऊपर चलिए, फ्लोरेंस रो रही है, ना जाने उसे अचानक से क्या हो गया है। लगता है मैंने फ्लोरेंस को जो समझाया था वह ये बात समझ नहीं पाई। चलिए। तुमने मुझसे कहा था तुम उसे प्यार करती हो। हाँ माँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। तो फिर तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? मैं उससे शादी नहीं कर सकती माँ। फ्लोरेंस, तुम एक बहुत ही जिद्दी लड़की हो। मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं करूँगी, लेकिन अभी मुझे ये कोई आत्महत्या से कम नहीं लग रहा है पिताजी। ईश्वर ने मुझे जिस मकसद के लिए ये जन्म दिया है, मैं उस मकसद को ख़त्म कर रही हूँ। मैं तुम्हें ये आखिरी बार कह रहा हूँ फ्लोरेंस। मुझे माफ़ कीजिएगा पिताजी, अब और नहीं पिताजी। मुझे लंदन के एक बड़े हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब मिली है और मैं कल से ही जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं देता हूँ। मैं 33 साल की एक लड़की हूँ पिताजी, मैं आपसे आज्ञा नहीं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं कल सुबह चली जाऊंगी पिताजी। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रुक जाओ, तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं है। आ।
हमारे बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं सर। क्या तुमने उन्हें गोलियों से लड़ना नहीं सिखाया? अच्छे से जंग में लड़ना नहीं सिखाया? हमारे सैनिक सर सिर्फ गोलियों से ही नहीं बल्कि कॉलेरा से भी जूझ रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल की सेवाएं दिलवाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दो जल्द से जल्द। माफ कीजिएगा सर, मगर अस्पताल तो पहले से ही इतने ज़्यादा भरे हुए हैं, वहाँ तो किसी आम इंसान को अंदर जाने के लिए जगह ना मिले तो सिपाहियों का इलाज कैसे होगा? क्या ब्रिटिश सरकार अपने सिपाहियों के लिए कोई और बंदोबस्त नहीं कर सकती? कौन हो तुम जो मुझे बता रहे हो? मैं विलियम रसल हूँ, लंदन टाइम्स की ओर से। मिस्टर होल सर, अंग्रेजों को हर चीज का सबूत चाहिए होता है। तो दे दो उन्हें सबूत, तो बता दो फिर लोगों को कि आर्मी लड़ रही है और दुश्मन हम पे हमला करे जा रहे हैं। बड़ा ही दुखद समाचार है। देखो आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है फ्लोरेंस मैम। हर 10 में से 4 सिपाही की हालत बहुत ख़राब है। हर 10 में से 4, उनमें से सारे सिर्फ गोलियों से ही नहीं, कुछ खाने की कमी से, कुछ अच्छे बेडिंग के ना होने की वजह से वहाँ पर बीमार हो जा रहे हैं। और दुख की बात तो ये है, कोई उन्हें मदद करने के लिए भी नहीं राज़ी है। हमारे सिपाहियों को एक अच्छी हेल्थ टीम की ज़रूरत है। फ्लोरेंस नीचे आ जाओ, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आप जरूर ही मिस्टर जॉन होंगे। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर मैन इंचार्ज कौन है? श्रीमान, मैं इंचार्ज हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं तो किन्हीं इंचार्ज एफ नाइटेंगल की ओर देख रहा हूँ। फ्लोरेंस नाइटेंगल, सुप्रिटेंडेंट इन फीमेल नर्सिंग एस्टेब्लिशमेंट इन इंग्लिश जनरल हॉस्पिटल्स टर्की। माफ़ कीजिएगा, मैं तो किन्हीं मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। लाजमी ही आप इसे एक अस्पताल तो नहीं कह सकती? क्या मुझे एक पानी का ग्लास मिल सकता है? ये क्या है मिस नाइटेंगल? ये सारा सामान बहुत ज़रूरी है सर, मैं आपको दिखा सकती हूँ। रजाई, कंबल, गद्दे,
यह एक मिलिट्री हॉस्पिटल है, ना कि कोई रॉयल पैलेस मिस नाइटिंगेल। इस एक पेज में सब लिख दीजिए। अगर मैं ये अप्रूव कर भी दूंगा तो भी आपको दो और डॉक्टर्स के साइन होना ज़रूरी है, तभी आपको ये सारा सामान मिल पाएगा। सर, मुझे सिडनी से सेक्रेटरी वार्ड बनाया गया है, तो आपको ये सब चीज़ें मुझे दिलवानी होंगी। आप यहाँ महज एक लीडिंग वुमन के अलावा और कुछ भी नहीं है, मिस नाइटिंगेल। आपको नहीं लगता सर, ये मैडम कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रही है? अरे शांत हो जाओ जॉन, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मिलिट्री हॉस्पिटल में आखिर हो क्या रहा है, ये औरत आखिर क्या करना चाहती है? अरे जॉन, मैंने तुम्हें कहा तो हम शांति से बैठकर इस बात का हल निकाल लेंगे। आइए मिस नाइटिंगेल, बैठिए। ये मेरा आपको बताना फ़र्ज है कि आपने जो काम किया है ये गलत है। लेकिन सर, मैंने तो सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश की है जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। जो आपने किया है वो एक गुनाह है। 1000 से ज़्यादा सिपाही मर चुके हैं क्योंकि आप उन्हें प्रॉपर सुविधाएं नहीं दे रहे हो, और आपको वो क्राइम नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आपको ये क्राइम दिखाई दे रहा है। सर, आपने जिन जगहों पे उन सिपाहियों को रखा है वहाँ पर चूहे हैं, वहाँ पे कॉलेरा की वजह से वो और बीमार हुए जा रहे हैं, वहाँ पर जो हम हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, और जबकि आपके पास सारी सुविधाओं का सामान उपलब्ध है फिर भी आप क्यों नहीं दे रहे उन सिपाहियों को? मिस नाइटिंगेल, ये सिपाही इससे भी बदतर जगहों से यहाँ आए हैं। अगर आपको लगता है कि इन्हें हम ऐसी ही ज़िंदगी में रखते हैं तो आप गलत सोच रही हैं। बस बहुत हो गया, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो सिपाही हैं जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं सर। ओके मिस नाइटिंगेल, यहीं रुक जाइए। अब देखिए, जो आपने किया है वो एक क्राइम है और आपको वो करने की अनुमति नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि जो हम आपको कह रहे हैं आप उसी पे काम करें या फिर चली जाएं। मेरी टीम, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, तो अब हम जो भी इन्हें केयर देंगे वो उनकी जो भी परमिशंस होंगी, जो भी रूल्स होंगे उनके अंडर ही देनी पड़ेगी। मगर मिस नाइटिंगेल, इनके रूल्स बहुत रिडिक्युलस हैं। दरअसल बात ये है कि वो हमारी अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, पर कोई हमें हमारे शिद्दत से नहीं रोक सकता। हम जो भी काम करेंगे पूरे पैशन के साथ करेंगे। चीयर अप गर्ल्स। वो हमें सामान देने से मना कर सकते हैं लेकिन हमारे पैशन को कम नहीं कर सकते। क्या आप ये लेटर मेरी पत्नी तक पहुंचा देंगी? ज़रूर, मैं अभी के अभी जाकर इसे आपकी पत्नी को भिजवाती हूँ।
मैं जब भी अपने आप को घर जाते हुए इमेजिन करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं भागते हुए अपनी बीवी और अपनी बच्ची की तरफ जाऊँगा। भागते हुए। अच्छा ठीक है, कौन सी वाली साइड है, राइट या फिर लेफ्ट? प्लीज आप यहीं रुकिए। नाइटिंगल, ये आप क्या कर रही हैं? इस बार तो आपने सारी हदें पार कर दी। आखिर ये सब क्या है, क्या कोई मुझे समझाएगा? क्या आपको नजर नहीं आ रहा, ये तो उन सिपाहियों के लिए खाना है। अब तुमने सारी हदें पार कर दी है, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं ये सब यहाँ नहीं होने दूंगा। सर हमें बहुत सारी नर्सों की और जरूरत है। डॉक्टर तुम अपना काम करो, यहाँ और कोई नहीं है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है मिस नाइटिंगेल। देखते ही देखते समय में काफ़ी सुधार आने लग गया। जिन सिपाहियों की हालत काफ़ी बदतर थी, अब उनकी हालत काफ़ी ठीक होने लग गई थी, और ये सब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से हो रहा था। फ्लोरेंस दिन रात उन सिपाहियों की सेवा करती। वह रात को लैंप के साथ लैंप की रोशनी में जाकर उन्हें देखती, इसीलिए उन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता था। उन्होंने अपना पूरा समय, अपना पूरा वक्त उनकी सेवाओं में लगा दिया। यूं लग रहा था मानो फरिश्ते ने जन्म लिया है। फरिश्ता है जो उन सिपाहियों की मदद कर रहा था, उन्हें ठीक होने में मदद कर रहा था। सिर्फ बेस्ट मेडिकल केयर ही नहीं, बल्कि अच्छा व्यवहार, उनके सुख दुख कोई सुन रहा था। वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सर देख रहे हैं आप न्यूज़पेपर में क्या क्या छाप रहे हैं? सबको लगता है कि सारी मेडिकल की हेड ये सिर्फ फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। रिडिकुलस। जॉन तुम दोबारा ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सर आपको यकीन नहीं होगा, फ्लोरेंस यहाँ से जा रही हैं, उन्हें यहाँ से अपने अस्पताल जाना है। देखा जॉन, तुम अपनी कमांड वापस ले सकते हो, खामखा ही इतना गुस्सा हो रहे थे। मत जाइए मिस नाइटिंगेल, प्लीज यहां से मत जाइए। आप चिंता मत कीजिए, आपका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, आप सुरक्षित हाथों में हैं। प्लीज आप ऐसे मत कहिए। क्या आप ठीक हैं मिस नाइटिंगेल? मैं ठीक हूँ।
आपने सिपाहियों की सेवा करते करते अपने आप को बिल्कुल ही न्योछावर कर दिया। आपको ठीक होना होगा। फ्लोरेंस की हालत बहुत खराब है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज उनके लिए दुआ करते रहिएगा। अरे क्या तुमने सुना, मिस नाइटिंगेल बीमार है। ये ब्रूच आपके लिए मिस नाइटिंगेल, आपकी उस सेवा के लिए जो आपने दिन रात उन सिपाहियों के लिए दी है। आप ये डिजर्व करती हैं मिस नाइटिंगेल। मिस फ्लोरेंस, आपके घर से आपके माता पिता की चिट्ठी आई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हमारी प्यारी फ्लोरेंस, हम और क्या कहें, आपने हमारा नाम इतना रोशन कर दिया है कि हमें प्राउड है आपके ऊपर। आपने अपने देश की सेवा में बहुत ज़्यादा हाथ बटाया है, बहुत बहुत प्राउड है हमें इस बात का। हमें उम्मीद है और हम हमेशा ही आपके वापस आने की राह तकते रहते हैं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। दिखाई नहीं देता, तुम्हारे अफसर आए हैं, उठो और सल्यूट करो हमें। अरे सर, क्या आप देख नहीं रहे मेरी टांग, मैं कैसे उठ सकता हूँ। मुझे ऐसा तो कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। ये इंटरनल है सर। अरे देखो मिस नाइटिंगेल वापस आ गई, अरे देखो देखो। दस उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपना पूरा जीवन डिवोट कर दिया था सेवा के लिए। वह हमेशा अपनी सेवा देती रहीं और ऐसे ही लोगों से दुआएं लेती रहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सेस के लिए, एक औरत के लिए, दुनिया में समाज में सम्मान के मायने ही बदल दिए थे। यूं लग रहा था मानो एक फरिश्ते ने एक नर्स के रूप में धरती पर जन्म ले लिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आइडल ऑफ नर्स भी कहा जाता है।